यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाए सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा पुलिस कप्तान शिवानी तिवारी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयास से गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र से 1,00,000 रुपए का इनामी भाकपा माओवादी नक्सली लालदेव भुइया को गिरफ्तार कर पुलिस ने महत्वपूर्ण कामयाबी अर्जित की है। पलामू जिले की पाकी थाना अंतर्गत आबुन गाँव निवासी गिरफ्तार इनामी नक्सली लालदेव भुइया पिछले 20 वर्षों से संगठन में सक्रिय था। बाद में वह अपनी कार्यशैली के बलबूते संगठन में एरिया कमांडर बना दिया गया। नक्सली लालदेव हत्या व लूटपाट सहित आधा दर्जन नक्सली वारदातों में शामिल रहा है। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदुआ गांव में गौरी साव का पुलिस मुखबिरी के आरोप में हत्या करने में भी इसका हाथ रहा है। रंका एसडीपीओ विजय कुमार ने आज प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया कि लालदेव की गिरफ्तारी से माओवादियों की कमर टूट चुकी है। पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं वह नक्सली सफाया में काफी उपयोगी सिद्ध होगा। आज एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। हमारे पुलिस अधीक्षक को प्राप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस की एक संयुक्त टीम बनी थी जिसमें फरार माओवादी लालदेव भुइया की गिरफ्तारी हुई है। ये इनामी उग्रवादी है। इस पर अभी तक जो जानकारी है 1,00,000 रुपये का इनाम राज्य सरकार ने घोषित किया है और इसी गिरफ्तारी से माओवादियों के उखड़ते कदम में एक और प्रहार हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे जिला से माओवाद पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अभी कहाँ कहाँ नक्सली आतंक है सर, अभी कड़वा में क्या है स्थिति? देखिए अभी तक जो कमोबेश परिस्थिति है उसमें बूढ़ा पहाड़ का जो इलाका है खास करके उसके जो सीमावर्ती गांव है वहाँ तो उसका कुछ प्रभाव है। हम लोग उस पर लगातार नज़र भी रखें, छापेमारी भी हो रही है और उम्मीद है कि पुलिस और पब्लिक का एक समय में स्थापित करके इसको भी खत्म